तीन काले कानून है, जब तक ये सरकार रद्द नहीं करती तो हमारे पांव में छाले पड़े, हमारी जाने चली जाएं, क्योंकि इस संघर्ष में अगर हम शहीद हो जाएंगे तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। और मेरे पीछे जो आप किसान यात्रा देख रहे हैं, ये पंजाब के खटखट कला से चल के दिल्ली की तरफ जा रहे हैं ताकि अपनी चुनी हुई सरकार को अपनी बात बता सके, उन्हें समझा सके। सुनिए इन किसानों को। यात्रा की है, यात्रा करते करते साढ़े पैरों से छाले पड़ गए, पर मोदी मोए नू दिसे नहीं गए, मर जाने तेनू लोगों के पैर नहीं दिसते, छाले पड़े हुए किस तरह तुर रहे हैं, सियाने गोडे भी उन्होंने चल नहीं रहे है जिदा वो तुर रहे है। किसी के पैरों में छाले पड़ गए, कोई बुजुर्ग है उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, वो फिर भी दिल्ली जा रहे हैं। वो किसानों बहनों और भाइयों का बोलना है कि हम तीन कानून जो किसानों के खिलाफ सरकार ने बनाए हैं, वो किसानों की डेथ वारंट बोलते हैं, वो किसानों की मौत है, उस मौत के वारंटों को वापस कराने के लिए हम जाते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती तो हमारा आंदोलन चलेगा, अब तो सारे देश में फैल गया ये आंदोलन, और ये आंदोलन जो है जन आंदोलन हो गया। ये तो कड़ी धूप में चलाना कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए हमारे शहीदों ने फांसी का रस्सा चूमा, तो जब तक ये लड़ाई, जब तक ये बिल वापस नहीं होगे, MSP लागू नहीं होगी, तो ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। ये कानूनी ऐसे बना दिए सरकार ने, हम सारे किसान की बेटी हैं, किसान सारे किसान ही उतरे हैं, किसान मजदूर सारे उतरे हैं रोड पे, 90-90 साल तक के बुजुर्ग भी रोड पे बैठे हैं, फिर भी किसान को जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है, ये गूंगी बहरी होके बैठी है बिल्कुल सरकार। पद यात्रा है, इससे हम जो हमारे देश का युवा है, जो मेहनत का शवाम है, उसको ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो शहीदों के सपने थे, जैसा वो हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, जहां सब बराबर हो, किसी की लूट ना हो, वो उनका सपना था, इसीलिए उन्होंने फांसी का रस्सा चूमा था। और 23 मार्च के दिन उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी थी, तो हमारा ये सोचना है भी अभी भी उनके सपनों का देश नहीं बनाया, क्योंकि आज भी मेहनत का शवाम की लूट जारी है, और जो ये जो कारपोरेट घराने हैं वे अभी भी आम जनता का, मजदूर जमात का खून चूस रहे हैं। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई है। अगर किसान नहीं होगा तो लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, अगर मजदूर खेतों में काम नहीं करेगा तो वो रोटी कैसे खाएगा। आज हमारी जो थाली की रोटी खुसने लग रही है, उसकी चिंता सिर्फ हमें नहीं, पूरी ऑल इंडिया जो हमारा देश है उसको, सबको है, और सारे इसमें जितना सहयोग जिसका डाल सकते हैं डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को सलाम वालेकुम करता हूँ, राम राम नमस्ते करता हूँ। जैसे हमें पता चला कि पंजाब से हमारे किसान भाई आ रहे हैं, तो हमने जल्दी से ही वहाँ पे थोड़ा सा जितना भी हमसे हो सका अपने भाइयों के लिए पानी से और फल वगैरह से, इनके लिए जो भी हमसे हो सका हमने प्रोग्राम किया, और हम सब तीन जितने कृषि कानून है तीनों के खिलाफ हैं। हम सरकार से कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले जाए। असी पैदल यात्रा करके मोदी नु सब कुछ खान चले हैं, मोदी दी धौण ते गोडा रखण चले हैं। असी जनवाद स्त्री सभा असी दसांगे बे, असी भी औरतां भरावां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के असी हक अपने लैण जाण दियां आ। ऐसी सरकारें जो बनती है, हिटलर जैसा मोदी है, हिटलर जैसा है उसका दूजा भाई है, ये लोगों की रोटी छीन रहा है, इसलिए हम अपनी रोटी के लिए ये कानून रद्द करवा के फिर ही वापस आएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम शहीदों में नाम लिखाना अच्छा समझेंगे, ना कि ऐसे वापस मुड़ेंगे। जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं तो लड़ने के समय ऐसी तकलीफें आती हैं। वो सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वो 280 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और वहाँ उन्होंने ठंड में सर्दी में जब ककर पड़ता था, धुंध थी, ऊपर से बारिश पड़ रही थी, वो जहाँ फिर भी डटे हुए थे, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं मोर्चे की। जब हम लड़ाई लड़ते हैं बॉर्डर पर, साथी सैनिक शहीद हो जाता है तो लड़ाई बंद नहीं होती, उसकी डेड बॉडी वापस आ जाती है। ऐसे ही मोर्चे में जब कोई शहीद होता था हमारी ट्राली में, वो वापस गांव में चला जाता था, लोग डटे रहते थे। किसान मजदूरों का जो आंदोलन है ये, इसमें जितने विद्यार्थियों के हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल हैं, खेत मजदूर के सवाल हैं, नागरिकों के सवाल हैं, विद्यार्थियों के सवाल हैं, JNU के बच्चों के सवाल हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के सवाल हैं,
वो सारे सवाल इकट्ठे हो गए। बेरोजगारी का सवाल है, किसानों के एमएसपी का सवाल है, ये जमाखोरी का सवाल है। ये कह रहे थे कि हम जो है काला कानून, हमें जमाखोरी बंद करेंगे, हमें ब्लैक मार्केटिंग खत्म करेंगे, ब्लैक मनी बाहर से लेकर आएंगे। अरे खुद ही 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया, और उसमें संशोधन का अर्थ ये है कि भाई कोई आदमी कितना है जमाखोरी करके रखो, अगर जब उनके गोदाम में चला जाएगा तो वो अपने हिसाब से बेचेंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये देश का जो युवा है उनकी जिम्मेवारी है वो इसके खिलाफ लड़े, और हम देश के युवा को ये इस पदयात्रा के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए हम 23 मार्च को सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं। सुनना तो पड़ेगा ही, आम आदमी का ऐसे तो काम चलेगा नहीं, और हमारा भी फ्यूचर खराब हो रहा है। 4-4, 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो इसमें हमारा फ्यूचर है जो बिल्कुल ही खतरे में आ गया है एक तरह से। तो सरकार को इसके बारे में सुननी पड़ेगी, ये तानाशाही कर रहे हैं, इससे हर तबका दुखी है। भगत सिंह का जो गांव है वहां से जत्था लेके चले तो लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि अपने आप खाना खिला रहे हैं, रास्ते में फल बांट रहे हैं, कहीं लड्डू बांट रहे हैं, कहीं पानी बांट रहे हैं। जो ये दावे कर रहे हैं ना मोदी सरकार कि इसकी बाहर से फंडिंग आती है, दूसरे देश वाले फंडिंग भेजते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। आम जनता के सहयोग से जैसे ही किसान चला था अपने ट्रैक्टरों में सामान भर भर के, 6-6 महीनों का सामान भर के लेके आया था, और वहाँ जो गाँव में आसपास किसान है वो किसान भी पूरा सहयोग कर रहा है। जो भी कोई चीज की कमी पड़ती है, दूध की है, पानी की है, हर चीज की, वो पूरा कर रहा है। इनू माड़ी भी शर्म नहीं हैगी, मैं अपने वापस कानून काले तिन्ने ही ले लवा, किसाना दे हक जेडे आ वापस कर दवा। चलेंगे बहुत, हम सिरड़ी हैं, हम शहीद भगत सिंह के गांव से उनका आशीर्वाद लेके चले, जिन्होंने हमारे लिए फांसी का फंदा गल में डाला, हमारे देश को आजाद इसीलिए करवाया था कि सभी को रोटी मिले, मकान मिले, और सिर के ऊपर छत मिले, रोटी मिले, काम मिले। लेकिन जो राजसत्ता उनका तो जे सपना था, और जे राजसत्ता उल्टी गदारों के हाथ में चली गई। जो अदानी बानी है, दो गुजरातियों को देश बेचना चाह रहे हैं। और लोगों की मांग सही है कि एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए। पिछले मोदी की सरकार जब से आई है 45 लाख करोड़ रुपए एमएसपी का ठग लिया इन्होंने हमारा, इसीलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। जो अभी भी जो इस लड़ाई में नहीं कूदा है, युवा है, मेहनत का शवाम है, उन तक ये मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग भी आओ इस लड़ाई में आओ, ये हम सब की सांझी लड़ाई है। काले कानून जो है सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। मनानिया भी हम हैं और गिरानिया भी हम हैं। सरकारें तो है, फेर बन जाओगी, मारे उस्ता मनेगी, ठीक है। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया के किसानों को और जात पात छोड़ के, सभी धर्मों को छोड़ के आंदोलन ने इकट्ठा कर दिया, इसलिए हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जीत कर जे बिल, जे कानून रद्द करके मोदी की चोली में पड़ के फिर वापस मिलेंगे। जिस सरकार, इस मोदी सरकार ने हमें, जहाँ हिंदुस्तान, अल्लामा इकबाल ने एक शहर कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको इन लोगों ने बांटने का काम किया है, और हम सब के अंदर इन लोगों ने फूट डाली है, और फूट डालकर अंग्रेजों वाले इन लोगों ने राजनीति की है, हम सब के अंदर फूट डालकर इन लोगों ने हम सब पर राज किया है। आज हम पर तानाशाही कर रहे हैं, आज इन लोगों के खिलाफ जब तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, आज हमें भी जितने खड़े हुए उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ये सबका हिंदुस्तान है, इसमें सब मिलकर साथ खड़े होंगे, और मोदी सरकार को हम सब गिराने का काम करेंगे। ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, ये तानाशाही अवलंबी नहीं चलेगी। सरकार जो है वो उनमें कोई हमदर्दी नहीं है, मानवता नहीं है, उनकी मानवता मर चुकी है। ये आंदोलन लंबा चलेगा इनके हिसाब से, ये इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 11 बार जब सरकार के साथ बैठके होली, और बैठके होने के बाद भी मतलब सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी, अंदर से बेशक घबरा रही हो लेकिन दिखावा यूं करती है कि हमारे कोई असर नहीं है, जबकि हमारे 282 किसान जो है वो मर चुके, और मर ही नहीं चुके, वो शहीद हो गए, और इन शहीदों को हम साथ लेते हुए वो हमारी एक नींव बने हैं। इस किसान को बहुत ऊंचा लेके जाएगा, इस लड़ाई को जीत के लेके आएगा।